नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी और आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 70वां एपिसोड। आज है 19 सितंबर 2020 और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर 10 बड़ी खबरें दिन भर के लिए निकल कर आई हैं। सारी खबरें दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे, इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है इन सारी खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन हैं तो यहाँ कहीं नीचे से लाइक के बटन को भी हिट कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज दिन भर की पहली बड़ी खबर की। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है मुंबई इंडियंस की टीम के हवाले से। दोस्तों आज शाम को मुंबई और चेन्नई की टीम का मैच होगा, लेकिन इस मैच से पहले ही मुंबई इंडियंस की टीम में वेस्ट इंडीज के एक तेज गेंदबाज की एंट्री हुई है। दरअसल दोस्तों नेट बॉलर के रूप में अलजारी जोसफ मुंबई इंडियंस की टीम के साथ जुड़ गए हैं। कुछ तस्वीरें भी निकल कर आई है और इसको लेकर अलग अलग न्यूज वेबसाइट्स ने जो है इसे छापा भी है। दरअसल दोस्तों अलजारी जोसफ को लेकर मुंबई इंडियंस का एक अलग तरह का प्लान है। मुंबई इंडियंस चाहती है कि वो अगले साल या इस साल अगर कोई एक और तेज गेंदबाज बाहर हो जाता है तो रिप्लेसमेंट के रूप में अलजारी जोसफ को बैकअप पर ही रखें, ताकि उन्हें बीच आईपीएल में किसी को बुलाना ना पड़े, क्योंकि कोई भी आएगा फिर उसे क्वारंटाइन होना पड़ेगा। और इसीलिए आईपीएल से पहले ही पहले मैच से पहले ही अलजारी जोसफ एज ए नेट बॉलर जुड़ चुके हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो दोस्तों ये खबर निकल कर आ रही है विराट कोहली के हवाले से। दरअसल दोस्तों विराट कोहली पर गंभीर आरोप लगाए हैं आरसीबी के पूर्व कोच रे जेनिंग्स ने। दोस्तों रे जेनिंग्स जो है वो आरसीबी में बहुत दिन पहले जो है कोच के रूप में रह चुके हैं, अलग अलग पोजीशंस पर रह चुके हैं। उन्होंने विराट कोहली की कप्तानी पर एक आरोप लगाया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो विराट कोहली है ये जब टीम सेलेक्ट करते थे तो ये किसी भी खिलाड़ी की किसी परफॉर्मेंस के आधार पर उस पर बोली नहीं लगवाते थे, ये अलग तरीके से मतलब आईपीएल को अलग ढंग से देखते हुए टीम को खरीदते थे और इसीलिए इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं है। हालांकि फिर बोल रहा हूँ कि ये जो राय है ये रे जेनिंग्स की है, ये आरोप उनके हैं। आप साइड में पूरा स्क्रीनशॉट्स और कटआउट देख भी पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने हमारी टीम बना ली है माई 11 सर्कल ऐप पर, क्योंकि हमने ठान लिया है कि हमें दादा को हराना है। दरअसल दोस्तों सौरव गांगुली ने माई 11 सर्कल पर इस पूरे क्रिकेट के कार्निवल के लिए अपनी टीम बनाई हुई है। हर मैच के लिए टीम बनी हुई है। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स अभी खोलिए, माई 11 सर्कल को अभी डाउनलोड कीजिए और दोस्तों दादा की टीम को हराइए, क्योंकि अगर आप दादा को हराएंगे तो आपको डबल पैसा अपने जीते हुए अमाउंट का मिलेगा। साथ ही दोस्तों जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक कर खोलेंगे, मतलब माई 11 सर्कल को खोलेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो आपको 1500 रुपए ऐप की तरफ से मिल जाएंगे जैसे ही आप अपना पहला पैसा डिपॉजिट करेंगे। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर है तो 20% का डिस्काउंट भी आपको मिलने वाला है। हर हफ्ते 1 करोड़ रुपए के कॉन्टेस्ट इस ऐप पर चल रहे हैं। राशिद खान, शेन वॉटसन, सौरव गांगुली इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। बहुत ही ट्रस्टेड ऐप है, यहाँ से पैसे निकालना, डिपॉजिट करना, प्लेइंग 11 बनाना बहुत आसान है। बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए जीत भी चुके हैं। एक चीज और दोस्तों आपको बता दूं कि टेलीग्राम पर हम आज का जो मैच होगा उसकी टीम आपको बताने वाले हैं। माई 11 सर्कल पर हम खेलने वाले हैं, तो दादा से कौन सी टीम हमारी लड़ने वाली है वो आपको हम टेलीग्राम पर बताएंगे। तो टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अगर लिंक ना मिले तो टेलीग्राम पर जाकर माई क्रिकेट प्रोडक्शन को सर्च कीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है महेंद्र सिंह धोनी के हवाले से। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को लेकर एक बहुत स्टैटिक खबर चल रही है पिछले 2 दिनों से। खबर ये है कि 438 दिनों के बाद महेंद्र सिंह धोनी हमें दिखाई देने वाले हैं। मतलब कि इतना समय धोनी को लगा है फील्ड से बाहर बैठने में। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी लंबे अरसे से दिखे नहीं है, वर्ल्ड कप के बाद से तो इवन हमें कहीं नजर भी नहीं आए हैं, लेकिन ये अलग तरह का स्टैट चल रहा है कि धोनी को बहुत दिन बाद देखेंगे। और इसीलिए ट्विटर पर ट्रेंड भी चल रहा है कि धोनी वापसी कर रहे हैं और करोड़ों लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं। जाहिर है भगवान है क्रिकेट का, कप्तानी का भगवान हम इन्हें दुनिया की क्रिकेट का कह सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की। तो ये आ रही है दोस्तों आईपीएल के आज के मैच से जुड़ी हुई। 19 तारीख है आज मैच है, मुंबई चेन्नई के सामने होगा। और इस मैच से जुड़ी हुई खबर दोस्तों यह है कि मैच से 2 घंटे पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पिच देख पाएगी। और मुंबई इंडियंस की टीम ने तो पिच का जो है मुआयना कर लिया है, लेकिन 2 घंटे पहले ही दोनों टीमों के कप्तान पिच का मुआयना कर सकेंगे, ताकि अपनी टीम प्लेइंग 11 सेलेक्ट कर सकें। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि मुंबई वाले तो एक दफा पिच को देख चुके हैं, यहीं पर है। मुंबई वाले तो अबू धाबी में ही बैठे हुए हैं। चेन्नई वालों के लिए बहुत संघर्षरत रह सकती है ये पिच, लेकिन धोनी का दिमाग है भाई, धोनी बहुत अनुभवी है और वो सब संभाल लेंगे मेरे हिसाब से।
चलिए दोस्तों बात करते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी खबर की। तो ये आ रही है आईपीएल की लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी हुई। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर और एयरटेल टीवी पर आईपीएल की लाइव स्ट्रीमिंग होने वाली है और कहीं लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। तो सीधी सीधी बात मैं आपको बता दूं कि आपको कहीं नहीं जाना है। अगर आपको फोन पर देखना है तो इन दोनों ऐप्स पर ही आप देख पाएंगे। इनके अलग अलग प्लान्स जो है वो आपको इन ऐप्स पर पता लग जाएंगे कि कितने में हो रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की। तो ये आ रही है दोस्तों ब्रेट ली के हवाले से। ब्रेट ली ने मुंबई इंडियंस की टीम में लसित मलिंगा के नहीं होने पर एक बड़ा बयान स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि दोस्तों ये जो लसित मलिंगा मौजूद नहीं है ना, इनकी रिप्लेसमेंट मुंबई की टीम को कहीं नहीं मिलेगी। मुंबई के पास पहले से ही जसप्रीत बुमराह मौजूद है और जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई भी मलिंगा की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। ये बात सही भी है क्योंकि जब बुमराह आए थे तो मलिंगा ने ही उन्हें तराशा था। हमें पता है किस तरह से 2013 के दौर में जब बुमराह ने पहला मैच खेला था और रिप्लेसमेंट पर बड़ा बयान दिया। चलिए दोस्तों बात करते हैं दिन भर की सातवीं बड़ी खबर की। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग और एंकर्स से जुड़ी हुई। मयंती लैंगर को आप देखते होंगे दोस्तों स्टार स्पोर्ट्स पर, वही ब्रॉडकास्टिंग का वही एंकरिंग का काम करती थी। इस साल के आईपीएल में वो अवेलेबल नहीं है। इस साल वो हमें एंकरिंग करती हुई नजर नहीं आएंगी। कारण स्पष्ट नहीं है लेकिन ये खबर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर चल रही थी। बहुत ज्यादा जरूरी खबर नहीं है लेकिन क्योंकि लोग देख रहे हैं तो हमने आप तक पहुंचा दी। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ऐसी गैर जरूरी खबरें चाहिए या नहीं। चलिए दोस्तों बात करते हैं दिन भर की आठवीं बड़ी खबर की। तो ये आ रही है दिल्ली और पंजाब के मुकाबले से जुड़ी हुई। दोस्तों दिल्ली और पंजाब का दूसरा मैच होने वाला है कल 20 तारीख को। इसको लेकर गूगल की भविष्यवाणी चल रही है। गूगल के हिसाब से दिल्ली जीत रहा है। आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे तो गूगल बोल रहा है कि दिल्ली इस मैच को जीत सकता है। हालांकि दोस्तों इस मैच पर डिटेल प्रीव्यू वीडियो हमारा बहुत जल्दी आने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा क्योंकि इस मैच पर दोस्तों हम पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। पिच कैसी है, खिलाड़ी कैसे, आपको पता है ना, पिछले वीडियो में किया था। तो इस मैच के लिए भी तैयार रहिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं दिन भर की नौवीं बड़ी खबर की। तो ये आ रही है दोस्तों नीतीश राणा के हवाले से। रसल और कार्तिक की जो लड़ाई है ना वो कितनी गहरी है, इसकी गहराई हमें इस खबर से पता लगती है। नीतीश राणा ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश राणा ने कोइन मॉर्गन की लीडरशिप से बहुत ज्यादा उम्मीदें जताई है। आप पोस्ट देख पा रहे होंगे दोस्तों, नीतीश राणा के कप्तान दिनेश कार्तिक है और हमें पता है कि केकेआर के बहुत सारे खिलाड़ियों को कार्तिक की कप्तानी पसंद नहीं आ रही है। शायद नीतीश राणा उनमें से एक हो सकते हैं और इसीलिए दोस्तों ये जो रसल और कार्तिक की पिछले साल भी लड़ाई हुई थी ना, इसमें ये दोनों ही खिलाड़ी नहीं है। इसमें बहुत सारे प्लेयर्स पीछे से भी अपना अपना खेमा शायद बना चुके हैं। मुझे कन्फर्म नहीं है और मैं बिल्कुल ठोक बजाकर कुछ बोल भी नहीं रहा हूं। मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि ये अब तक न्यूज पहुंची। दिन भर की दसवीं खबर की बात कर देते हैं तो सीपीएल की जो प्लेयर्स थे उन्होंने लगभग एक डेढ़ दिन से अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। उनका क्वारंटाइन खत्म हो गया है। ब्रावो दोस्तों और पोलार्ड इस बार सीपीएल के प्लेयर्स है वो इस मैच में हमें नजर आने वाले हैं। इन दोनों का फॉर्म अच्छा है तो आपकी नजरें इन दोनों प्लेयर्स पर होनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। पूरा दिन बचा हुआ है, वीडियो को शेयर बहुत ज्यादा कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कीजिए। माई 11 सर्कल को फटाफट डाउनलोड कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।